Assalamualaikum, programmer Chima here. Epiphany के developers Game Jam 2.0 के बाद मैंने participate किया था Global Game Jam 2022 में और वहाँ हमें Pixel Arts Academy ने support किया था मैम सादिया और आमिर भाई. उन्होंने हमारी एक टीम असेंबल की थी 5 लोगों की, लेकिन एंड पे जाके हम 2 ही लोग थे जो सच्ची बात है, एक मुती भाई और दूसरा मैं हूँ. हम दोनों ने मिलकर इस गेम को बनाया जिसको नाम देते हैं डाइनो फ्लिपर्स का. तो अब मैं वो गेम आपको दिखाता हूँ कि वो आखिर है क्या. एंड देयर यू गो, दिस इज डाइनो फ्लिपर्स. डाइनो फ्लिपर्स मोनोक्रोमेटिक स्टाइल में मैंने बनाई है और इसमें आप जितनी भी आर्ट देख सकते हैं, जो भी आर्ट है वो सारी मुती भाई ने की है, और इंक्लूडिंग द साउंड्स एज वेल. और सबसे पहले हम क्यों ना इस गेम को एक दफा खेल लें. क्लिक किया प्ले को. देयर इज द गेम. और अभी गेम चल गई. अब मेरे पास कार्ड्स हैं और दुश्मन आ रहे हैं सामने से. तो खैर, गेम प्ले तो आपने देख लिया थोड़ा बहुत. अब मैं बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है. इसमें हमारे पास ये कार्ड्स हैं और ये जो कार्ड्स, अगर मैं आपको थोड़ा यहाँ दिखाऊं और गिज़मोज ऑफ करूं, तो हर कार्ड के साथ ना जो हमें कार्ड मिलते हैं, इसमें ये है कि हमारा जो है ना पूरे गेम में क्या इफेक्ट होगा हर कार्ड के साथ. और जब ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, जैसे कि मैं अगर गेम में जाऊं तो ये शेडर ने ब्लैक एंड वाइट कर दी स्क्रीन, और फिर जब हम एक कार्ड डालते हैं तो फिर से वाइट हो जाती है स्क्रीन, मतलब इन्वर्जन जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो वो इन्वर्जन सिर्फ इसी चीज़ को शो करने के लिए कि नेगेटिव हो गए सारे जितने भी एबिलिटीज हैं हर कार्ड के साथ, वो नेगेटिव है. अगर आप गौर करें, वन ऑफ यूनिट गेट्स डिस्ट्रॉयड, डबल एमपी गेट्स डिप्लीटेड, ऑल योर यूनिट यूनिट्स गेट्स डिस्ट्रॉयड, टेम्पररी एमपी डीजनरेशन, योर बेस एचपी गेट्स हाफ्ड. और बेसिकली हम जो भी कार्ड यूज करेंगे उसके साथ हमें ये एक चीज भुगतनी पड़ेगी, राइट. और जब मैं कार्ड रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब जो चीजें हमें यहाँ मिलेंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी. योर बेस एच पी गेट्स रिप्लेनिश्ड, एनिमी यूनिट्स जितने भी है तबाह हो जाएंगे, यानी कि ये बेहतरीन कार्ड है. और फिर एम पी विल बी डिप्लीटेड एंड एडिशनल यूनिट्स गेट्स स्पॉन्ड. तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था इस ग्लोबल गेम जैम में, क्योंकि ग्लोबल गेम जैम का जो थीम था 2022 का, जो ग्लोबल गेम जैम है वो था ड्यूएलिटी. जो कॉन्सेप्ट हमें प्रॉपर समझ लगी ड्यूएलिटी की, वो था इम्प्लीमेंट किया कि जब आप एक बार ही करते हैं तो अच्छी चीज़ आती है, और दूसरी बारी करते हैं तो बुरी चीज़ आती है, और यही मुसलसल एक लूप चलता है. और यही चीज़ हमने फिर इवन के आर्ट स्टाइल से भी दिखाने की कोशिश की, और इसलिए हमने मोनोक्रोमेटिक चुना, ब्लैक एंड वाइट, राइट. इसमें यही हो रहा है कि दो ट्राइब्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, डायनासोर ट्राइब्स, और हम कार्ड्स लगा लगा कर इनसे मुकाबला करते हैं, और हमने उस बेस को तोड़ना है जो कि इस राइट साइड पर. तो मैं क्यों ना इसको अभी म्यूट कर लेता हूँ, बिकॉज वी हैव लिसन टू द साउंड्स. और मैं इसको थोड़ा सा खेलता हूँ, राइट. तो ये मैंने एनिमीज मार दिए, और आई एम जस्ट प्लेइंग रैंडम. ओके, यानी एम पी डिप्लीशन हो रही है. ये एम पी है जिससे यूनिट्स बनते हैं, और एम पी जब तक नहीं बनेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. और ये यूनिट्स थोड़े बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, आई मीन गेम जैम में फ़ौरन चीज़ें बनाई थी. एक चीज़ जो कि मैं करना चाह रहा था वो ये कि ये जितने भी दूसरे दुश्मन हैं वो आर्चर्स हैं, मतलब रेंज फाइटर्स हैं, दूर से लड़ते हैं. और जो यहाँ के यूनिट्स हैं, हमारे यूनिट्स, वो हैं करीब से लड़ने वाले, तलवार शील्ड वगैरह, मतलब करीब जाके. तो ये भी एक पोलर अपोजिट में डालना चाह रहा था इस गेम के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना नहीं था, तो आर्चर्स भी अब मतलब साथ ही जाकर लड़ते हैं, कोई सीन है मतलब. तो मैंने एक बार फिर स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल किया जिसके जरिए यूनिट की प्रॉपर्टीज सेट होती हैं, जो भी आप यहाँ देख सकते हैं. और वो इस तरह से है कि अगर मैं अपना कैमरा हटा दूँ दूसरी तरफ और थोड़ा सा जूम इन करूँ, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और इसके अंदर डेलारून यूनिट्स और ऑजिमोथ यूनिट्स, ये बेसिकली हमारे ट्राइब्स के नाम है, ठीक है. अब इनका जिक्र कहीं भी अनफॉर्चुनेटली गेम के अंदर नहीं होता कि इन यूनिट्स का क्या सीन है और सारा कुछ, बल्कि ट्राइब्स का. तो आर्चर मैं खोलता हूँ, इसके अंदर हमें मिल जाती हैं करेक्टर, हेल्थ, डैमेज, स्पीड, एमपी कॉस्ट, ठीक है. अब इसी तरह हर एक के साथ ये सीन है. और फिर ये जो यूनिट्स हैं इनको कार्ड्स के साथ जोड़ दिया गया है, जो भी हमारे प्रॉपर्टीज हैं. मिसाल के तौर पर मैं अगर गेम में जाऊँ और यहाँ हमें आई थिंक कार्ड ग्रुप, यप, कार्ड ग्रुप में ऐड और रिमूव का सीन है. और यहाँ से ऐड, अगर हम इसको ऐड को क्लिक करें तो ऐड होगा. फिर यहाँ एक माइनस भी होता है, वो तब आता है, माइनस ही मतलब डिस्कार्ड का ऑप्शन, वो तब आता है जब हमारे हाथ में कार्ड हो. तो अगर मैं इसको फिर से प्ले करके दिखाऊं, राइट, यहाँ मैं पकड़ा कार्ड और इसको पकड़ा, तो ये डिस्कार्ड का ऑप्शन आ गया कि यूज़ नहीं करना कार्ड, तो मैं ऐसे ख़त्म भी कर सकता हूँ.
तो अभी मुझे जहन में आया प्रीफैब में कार्ट, ये रहा कार्ट, ठीक है। और इस कार्ट के अंदर ये जितने भी हमारे गुड इफेक्ट्स बैड इफेक्ट्स हैं वो यहाँ लिस्ट के तौर पर हैं, ठीक है, कि क्या उसके ऊपर टेक्स्ट आएगा। और ये वो यूनिट्स हैं जो कि हमारे कार्ड से स्पॉन हो रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ हमारे वाले यूनिट्स का सीन है, राइट, जो ओजिमुथ, हाँ ओजिमुथ का जो है ना, सिर्फ वो कार्ड के अंदर अटैच है। बाकी ऑफ कोर्स जो दुश्मन है उनको तो, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं कार्ड के साथ अटैच करने के लिए, क्योंकि जो अपोनेंट है उसने तो कार्ड इस्तेमाल करके यूनिट्स नहीं करने। तो उसके लिए यहाँ एक स्पॉनर बनाया है साइड बी में, और इस स्पॉनर में इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल किया जाता है यूनिट के साथ। और यूनिट जो है वो बेसिकली सबके लिए सेम है, बस ये है कि कार्ड की बना पर अगर मैं यूनिट को एडिट स्क्रिप्ट करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सेट प्रॉपर्टीज़ किया हुआ है, राइट। और ये सेट प्रॉपर्टीज़ ही मेन चीज़ है कि जहाँ सेट हो रही हैं चीज़ें, करेक्टर की स्प्राइट, उसकी हेल्थ, और फिर इसी को बार बार यूज़ किया जाता है प्रॉपर्टी को बाकी चीज़ों के लिए भी, स्पीड एंड डैमेज। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर मैं इसको खोलूँ, राइट, यूनिट प्रॉपर्टीज़, ओके खुल जा सिम सिम, हाँ ये यूनिट प्रॉपर्टीज़ खोला, तो इट्स जस्ट अ सिंपल स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स जिसमें आप स्प्राइट यहीं डाल देते हैं, यहीं फ्लोट, हेल्थ, फ्लोट डैमेज, स्पीड, एमपी कॉस्ट, और इस तरह से बड़ा आसान हो जाता है प्रोसेस स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए। तो ये एक सिंपल सा डेमो था कि किस तरह से चीज़ों को अंदर सेट किया है। और मेरा तो बड़ा दिल करता है कि मैं डिटेल में जाऊं, बट ऑफ कोर्स ओवरव्यू देना चाह रहा हूं जैसे मैंने स्टॉल स्टील का दिया था। और अब से मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स का ओवरव्यू दूँ और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ मेरा थिंकिंग पैटर्न और किस तरह से मैं गेम्स को बनाता हूँ। अब इस पूरी गेम को बनाते दौरान मैंने ज़रा भी आर्ट के मुतालिक नहीं सोचा कि मैंने आर्ट बनानी है या कुछ, मतलब थोड़ा सा ख्याल आया था कि बनाऊँ, लेकिन जैसे ही ख्याल आया तो मुती भाई ने फ़ौरन आर्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और जो ओवरऑल गेम का आर्ट वर्क है वो भी काफ़ी प्यारा है, और काफ़ी मतलब एक इंडी और एक यू नो फ्रेश स्टाइल है, सिंपल आउटलाइंस विद लिटल डिटेल्स, और एक यू नो कार्टूनी डाइनो स्टाइल गेम बनाने की हमने कोशिश की। और ये सारी आर्ट वर्क मुती भाई का है जैसे ही। तो यार डेट्स द गेम, एंड इसको ज़रूर आप एक दफ़ा ट्राई करें। और मैं तो इस गेम को काफ़ी बार खेल चुका हूँ ऑफ कोर्स एज अ डिवेलपर, हम तो अपनी गेम्स खेल खेल के अक जाते हैं कभी कभी टेस्ट करने के लिए। ओ, मेरे कार्ड ख़त्म हो गए, एंड तो हाँ मैं इस तरह गेम खेलता रहूँगा। और देखें जब आगे हमारे बहुत सारे प्लेयर हों तो हमारे जो कुछ यूनिट्स हैं वो पीछे ही फिर बेस को डिफेंड करने लग जाते हैं, और आई थिंक ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और ये बेचारा कंफ्यूज हो गया आगे जाने पीछे। तो इस गेम में बग्स हैं, कोई शक नहीं, छोटी सी गेम है, थोड़े टाइम पे बनाई है, तो आई होप कि इतना तो एक्सेप्टेबल है, राइट। और मैं इस गेम को खेलता हूँ और इन्जॉय करता हूँ, और आप लोग फिर आई गेस आप लोग खुद ही इस गेम को खेल लें। डेट्स इट, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।